Yeah. भाई साहब इधर देख सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बर्फ है पूरा। यहाँ से जाना पड़ रहा हमको समिट के लिए। एडवेंचर फुल, बहुत बर्फ पड़ी भाई। हाय गैस एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गैस अभी कब जो ब्लॉग बना रहा हूँ मैं कल यहाँ पहुँच गया था तिलादी में। तो लोहाजंग से आए हम, तो बीच में एक स्टॉप वो क्या भीगलताल भी आया, तो वही उसी रास्ते हम यहाँ पर तिलादी में पहुँचे। और आज का सफ़र आगे होने वाला है, आप लोगों को बताते हैं कि आज का सफ़र आगे कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक और कहाँ तक होने वाला है। आज का सफ़र यहाँ तिलादी से जा रहे हैं हम, और तिलादी से फर्स्ट आएगा झंडी टॉप, फिर उसके बाद ब्रह्मताल समिट पे जाएंगे हम, और ब्रह्मताल समिट करके हम नीचे ब्रह्मताल जो लेक है उसी के पास में रहेंगे। तो जो रात रात को हम रुके थे वो इसी कैंप में रुके थे यहीं पे। ये जगह है, ये तिलादी जगह है, और इसी के जस्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पर है कि इस साइड में जो ये रदगाँव है ये आता है थराली ब्लॉक में, और जो इस साइड में आपको दिख रहा है जिस साइड टेंट लगे हैं, जिस साइड कैंपिंग हुई है, तो ये है पूरा मंदोली विलेज आता है, ये आता है देवाल ब्लॉक में। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग भी कमेंट करें। तो अभी का जो सफ़र होने वाला है हमारा, ऊपर हमने बैग रख दिया यहीं पे बैग रखे हैं हमने, फिर उसके बाद हमने चलना है। अभी जा रहे हैं हम नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो यहाँ से निकलना है हमने, यहाँ से ऊपर चढ़ना है, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ के फिर सामने जो आपको ये वाला दिख रहा है ये है झंडी टॉप, और फिर यहीं से आगे हमको समिट पर जाना है, ब्रह्मताल ट्रैक का जो समिट है। तो उसके बाद वहाँ समिट करके हमको नीचे आना पड़ेगा ब्रह्मताल लेक के पास में, तो वहाँ रुकेंगे आज। भाई यहाँ के काफ़ी सुंदर से नज़ारे दिख रहे भाई, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा, आज के ऐसा फील हो रहा है कि हम कहाँ आ गए भाई। इधर बेस्ट ट्रैक है भाई ये, विंटर ट्रैक है, तो विंटर में जब यहाँ स्नो रहती है तभी यहाँ ट्रैक करने में मज़ा आता है, अगर स्नो नहीं रहेगी तो मज़ा नहीं आता है ट्रैक करने में। तो स्नो के साथ साथ पूरा व्यू अच्छा दिख रहा है भाई चारों तरफ। चांद वो देख ऊपर, सूरज के बगल में, सूरज के बगल में ये चांद देख, वो देख। इस जगह का नाम है झंडी टॉप, और आगे में अभी बहुत सारे बादल लग गए अभी इस साइड में। आपको बताता है यहाँ से माउंट त्रिशूल और नंदा गुंगोटी, यहाँ पर ये माउंट त्रिशूल है और ये नंदा गुंगोटी है, और सामने आपको जो ये वाला दिख रहा है यहाँ से नीचे ये वाला बुग्याल, ये आली बुग्याल है, और उसी के जस्ट इधर में जो उधर में बुग्याल लग रहा है ऐसे में, तो वो अबैदनी बुग्याल है, और उससे आगे बोलते हैं घोड़ा लठनिया। फिर भाई हमने जाना है अभी समिट ऊपर, ब्रह्मताल समिट जो है, ब्रह्मताल समिट यहाँ ऊपर है, इस वाले ट्रेल से जाएंगे हम यहाँ से उधर, तो ब्रह्मताल समिट है वहाँ पर है, तो वहाँ से हमको फिर नीचे आना पड़ेगा, हमने आना पड़ेगा ब्रह्मताल लेक जो है यहाँ पर है, ब्रह्मताल लेक नीचे में। सबसे पहली चीज़ एक मंदिर बना रखा है, और मंदिर में एक त्रिशूल भी है भाई, खतरनाक है। यहाँ पर संग सुंग भी है, तो बजाते हैं भाई, संग भी बजाएंगे अभी। तो यहाँ से देख सकते हैं भाई ये झंडी टॉप बोलते हैं यहाँ का नाम, झंडी टॉप, झंडी धार भाई, त्रिशूल लग रहा है गजब। आप लोगों को दुकान भी बताते हैं भाई, दुकान अंकल जी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ चाय बोन है, तो ये है दुकान, ये काफी अच्छा यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था की है ट्रैकरों के लिए, है और इन्होंने बहुत सारे चीजें रखी है, मतलब यहाँ पर अगर कोई ट्रैकर आना मतलब आते हैं तो उनको किसी चीज में कोई दिक्कत ना आए, तो सभी मतलब जो मतलब शाम को रहने के लिए भी आते हैं, ये पूरा स्लीपिंग है, अभी अभी गए वो लोग उधर, वो सामने दो दिन से थे वो, हाँ हाँ वो अभी ब्रह्मताल की ओर गया, हाँ हाँ एक लड़का है बंगाली, वो है, हाँ हाँ तो शाम को थे वो दो दिन से थे, परसों तीन थे, उसके बाद उसके अगले दिन जो है आठ दिन थे, सारा सुविधाएं है यहाँ पे, सारे सुविधाएं। आप जैसे मतलब क्या क्या बनाते हैं, मतलब यहाँ जो मैगी बनती है और चाय, कॉफी, बन ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट और ऑमलेट, बाकी जो शाम को अपना दाल भात रोटी सब्जी, वो सब कुछ बनता है, सब कुछ
जैसे घर में बनाते हैं। हाँ, फ्रूटी फ्रूटी भी रखे आप लोग, बिस्किट चॉकलेट चॉकलेट ये क्रीम रोल, क्रीम रोल बन सारे रखे हैं, नमकीने हैं, मतलब कोई भी किसी की कॉलगेट ब्रश की जरूरत है अगर घर पे तो सभी सब कुछ रखा है। और एक चीज, और एक चीज आपको यहाँ पर बताते हैं सबसे, मतलब ये झंडी टॉप है 11,200 फीट पे है इसकी हाइट, जो मैंने अभी बताया आपको, तो यहाँ पर भाई ये अवेलेबल है। ये है ये हमारे घर का माल्टी का जूस है ये, हाँ ये वाला, और ये बुरांस का जूस है, ये बुरांस का जूस है जो होती है एक साल की, एक साल की, एक साल तक खराब नहीं होता है, खराब नहीं होता है। हाँ ये पूरी जो है सब लोग पीते, हमें लोग जो है ब्याह शादियों में इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं अपने मेहमानों के लिए ना, मतलब जूस जो है की सबके लिए पिलाते हैं, साथ में नमकीन भी, बिस्कुट नमकीन वगैरह, बाकी सारे मतलब जो है कि। और ये बंद उसके ये सॉस की बोतलें भी हैं, सारे जो चीज जो यूज करता है ये सॉस की बोतलें हैं, और ये जो है कि शहद है, मतलब चाय बनती है यहाँ 5-6 प्रकार की चाय, 5-6 प्रकार की चाय, हाँ जी, कौन कौन सी चाय, जैसे जैसे मांगता है, हाँ जो जैसे मांगता है वैसी चाय मिलते है, 5-6 प्रकार की चाय, चॉकलेट चॉकलेट ये कॉफी, ये हमारे जो है कि बढ़िया वाली कॉफी के ये सारे यूज आजकल यही चल रहे हैं, और बाकी सारी चीजें जो है कि यहाँ काली मिर्च, काली मिर्च ये अदरक, पूरी काली मिर्च अदरक की चाय जो है कि 24 घंटे मिलेगी, पूरी जो है ये, अदरक सब कुछ रखा है जो माउंटेन में होता है ना, जो जैसे कि माउंटेन में अगर कोई बंदा आ रहा घूमने के लिए तो माउंटेन में सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा ठंडा है तो ठंडे की वजह से सब कुछ रखना जरूरी है, और रखना भी पड़ता है, तभी भाई माउंटेन में जब कुछ गर्म चीजें खाएंगे तभी माउंटेन में हम घूमेंगे, फोटोग्राफी जो है देखने लोग आएंगे तो उनको, ये कल शाम की मंडवे की रोटी भी है, ये मंडवे की रोटी, मंडवे की रोटी भी है, ये मंडवे की रोटी है, यहाँ हर चीज की रोटियां भी बनती है ऐसी, ये है मंडवे की रोटी, आप बोलोगे किस चीज का रोटी है, मंडवे की रोटी, लेकिन ये मंडवे की रोटी शरीर के लिए और जब ठंडो में सबसे लाभदायक है, लाभदायक है भाई, पूरा पूरा अंकल के लिए भी जो है कि मतलब ज्यादातर इसी का यूज करते हैं। हाँ अंकल जी पूरी जानकारी दे रहे हैं जी। तो आपको बताते हैं भाई फिर आगे क्या होने वाला है, आपको मैंने झंडी टॉप बता दिया और नजारे भी बता दिए, और यहाँ से हम चले भाई अभी समिट के लिए, और लोग आगे भाई ये इंडेक्स वाले, शायद इंडेक्स वाले हैं ये। हेलो भाई साहब, क्या हाल चाल, लाग से ग्रुप, हाँ मैं उबले जहाँ से समीट पे काका, हाँ काका तो भाई इंडेक्स वाले जा रहे भाई, अभी डिसाइन हो रहा है इनका, लो आ जाएंगे नीचे जा रहे हैं अभी यहीं ब्रह्मताल से, और अभी बहुत तेज हवा चल रही है, अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है, और अभी का मौसम जो कि जल्दी बदलाव आ रहा है मौसम में, अभी जैसे कि हम समिट की ओर चल रहे हैं तो अभी जो कि बहुत सारे बादल आ रहे हैं इस माउंटेन साइड में, बहुत सारे बादल हैं, मौसम में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो रही है, और नीचे में तो कोई बादल नहीं भाई इस साइड में, नीचे नीचे साइड में कोई बादल नहीं, और वहाँ से ट्रेल बन गया बादलों का, और इस साइड में बहुत ज़्यादा बादल बन गए हमारे ठीक ऊपर, बहुत सारे बादल बन गए, और उधर माउंटेन साइड में तो पूरे बादल ही बादल हैं, इस साइड में पूरा माउंटेन है, इसी के पीछे चाइना है, जो ये बॉर्डर दिख रहा है इसी के पीछे चाइना है, बोले तो जो माउंट नंदा घुमटी नंदा देवी चौखंबा हाथी पर्वत जो दिखते हैं यहाँ से पीक, अभी दिखाई नहीं दे रहे इस फॉग के वजह से, और अभी पहुँच गए हम बहुत आगे आगे हैं, लेकिन हम बहुत आगे आगे हैं, लेकिन हमने सोचा कि यहीं नज़दीक है, तो आपको बताते हैं झंडी टॉप हम वहाँ से आगे, यहाँ उस सामने आपको झंडी टॉप दिख रहा होगा, ठीक है झंडी टॉप, और यहाँ से हम आगे यहाँ वहाँ से ऐसा दिखा कि यहीं पर होगा, तो हमने फिर हमारा समिट है अगला वाला जो यहाँ से लास्ट दिख रहा है वहाँ पर है समिट, तो हम निकलेंगे इसी ट्रेल से, बताते हैं आपको फिर, जय श्री शंभो, जय कितनी बर्फ है भाई यहाँ ब्रह्मताल ट्रैक में जब हम समिट के लिए जा रहे हैं, समिट तो आगे भाई बहुत आगे है, हम अभी पहुँच गए हैं आधे रास्ते में, अभी आधा बाकी रह गया है हमारा, और नीचे आपको एक चीज़ बताता हूँ, ब्रह्मताल जो है वो नीचे है, तो यहाँ से पूरा इधर रतगांव है, ये थराली ब्लॉक है, और यहाँ से आगे चल रहे भाई, इधर तो बहुत ज़्यादा स्नो है,
भाई साहब इधर देख सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बर्फ है पूरा। यहाँ से जाना पड़ रहा हमको समिट के लिए। बहुत बर्फ पड़ी है भाई यहाँ पे, बर्फ ही बर्फ है। इधर देखो चलो एडवेंचर फुल। और अभी हमने जाना है यहाँ से डाउन नीचे, और नीचे से जो आपको ट्रेल दिख रहा है ना ऊपर के लिए, यहाँ से जाना है ऊपर, फिर हमारा समिट ही है यहाँ पर। तो तो गाइस अभी पहुंच गए हम समिट पे, जो ब्रह्मताल का समिट है वो यहीं पे है समिट, और इसकी हाइट जो है 12,500 फीट पे है इसकी हाइट। और यहीं पे समिट है, आपको एक झंडा दिखेगा और इसके नीचे एक मंदिर सा बना रखा है, और पूरा झंडा है यहाँ भाई समिट। और यहाँ से भाई काफ़ी सुंदर से नज़ारे दिख रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर समिट में एक कैफ़े भी है यहाँ पर सामने ये नीचे इस साइड में, और यहाँ से देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर से नज़ारे। और आपको यहाँ पर बहुत सारे बुग्याल और कौन से ट्रैक हैं वो देखने को और सुनने को मिलेंगे। और बताते हैं आपको, ये सामने वाला जो ये है, ये बुग्याल है जो आपको ये सुनने वाला मेडोज वाला पूरा बुग्याल जैसा दिख रहा है इधर, तो इस बुग्याल का नाम है आली बुग्याल। और आली बुग्याल के जस्ट ये इस साइड में जो बुग्याल है उसके इस साइड में जो बुग्याल है आली बुग्याल के पास में आता है बैदनी बुग्याल। ब्रह्मताल के लिए आओगे तो ब्रह्मताल के लिए भी लोहाजंग बेस कैंप पर आना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से आगे फर्स्ट बेगम टॉप आएगा, फिर बेगलताल होते हुए तेलादी, तेलादी से जंडीदार, फिर जंडीदार से आपको यहाँ इस समिट का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये रूपकुंड ट्रैक फेमस भी है, और अभी तो वहाँ कंपनी वैसे तो कोई नहीं चलते हैं, अगर जो जाएगा तो लोकल बंदे के थ्रू रूपकुंड जाते हैं। और रूपकुंड बताते भाई, रूपकुंड में अभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से रूपकुंड दिख ही नहीं रहा, बस बैदनी बुग्याल दिख रहा, आली बुग्याल दिख रहा, और यहाँ से सामने बक्ची बुग्याल भी दिख रहा जो अभी अभी ट्रैक फेमस हुए हैं। और आपको बताते हैं यहाँ से मोनाल टॉप भी दिख रहा है, सामने मोनाल टॉप है, इसके पीछे में जो आपको सामने दिख रहा है वो मोनाल टॉप है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपना गाँव, मेरा गाँव जो है वाड़ है, वो है मेरा गाँव, नीचे ही है पूरा गाँव दिख रहा है, आपको दिखाते हैं क्या दिख रहे होंगे आप लोग, ये मेरा गांव है वाण। और यहाँ से आपको माउंटेन पूरा बताता, उनके बारे में बताता कौन पिक कहाँ पर है, कौन पिक कहाँ पर है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ से दिखता है बहुत सारे पिक, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पिक दिखते हैं। यहाँ से दिखते हैं माउंट त्रिशूल और नंदा घुंगूटी, नंदा देवी, कामेट, हाथी पर्वत, चौखंबा, और यहाँ पर बहुत सारे पिक दिखते हैं। और इधर मृत्युनी वाली पिक है, और नंदा कोट इस साइड में है, वो आता है बागेश्वर में, और सारे पिक इधर आपको, ये बागेश्वर का इलाका है। और आप लोग भी आ सकते हैं भाई इस ट्रैक में घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा ट्रैक है, मेरे को तो बहुत बढ़िया ट्रैक लगा, लेकिन मैंने पहले भी किया था ट्रैक बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने बोला आज क्यों नहीं वीडियो बनाएं आप, तो आप लोगों तक पहुँचाएँ वीडियो और आप लोगों को दिखाएँ कि यहाँ के बारे में कैसा नज़ारे हैं और कैसा व्यू है यहाँ के बारे में, तो भाई देख सकते हैं आप। चलो चलते हैं भाई आप ब्रह्मताल लेक के पास। ये जो नीचे है ये है हमारी ब्रह्मताल लेक। बहुत मुश्किल है भाई, एक बंदा तो चाहिए। हम इस पूरे ट्रेल से, मतलब ट्रेल था भी नहीं, हमने खुद का बनाया, वहां से फिसलते फिसलते यहाँ तक आए नीचे।
अब जैसे मेरे पे सपोर्ट नहीं है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं भी यहाँ से फिसल विसल के नीचे जाऊंगा। और मैं ये शायद 3 बार या 4 बार ये स्टंट कर चुका हूँ ऑलरेडी अभी 10-15 मिनट पहले, लेकिन मुझे डर लग रहा है भाई। क्या करना होता है यहाँ पे, ये यू